अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 में चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज के बारे में सीख लेते हैं। तो परसेंट की डेफिनेशन होती है अ रेशो हुज डिनोमिनेटर इज 100। यानी जिस भी रेशो का डिनोमिनेटर 100 होगा उसे कहेंगे हम परसेंट या परसेंटेज। जैसे ये है 11/100 मींस 11%। यानी कि इसका डिनोमिनेटर 100 है तो 11 को कहेंगे 11%। ये पार्ट टू देख लें। 23/100 मीन्स 23%। 17/100 मीन्स 17%। 123/100 मीन्स 123%। यानी कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होगा उसे कहेंगे हम परसेंटेज। ठीक है। द सिंबल फॉर परसेंट इज दिस। ये जो सिंबल है ना, ये वाला एक लाइन लगा के इसके ऊपर और नीचे डॉट लगा देने, इसको कहते हैं परसेंट। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं 63%। ये जो परसेंट लिखा हुआ है इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट को हम लिख सकते हैं 63/100। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जिसके साथ भी परसेंट लगा उसके डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से 31% है तो 31/100, तो ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये परसेंट में लिखा हुआ था, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 3 93% 93/100। पार्ट 4 17% 17/100, तो ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 5 80% 80/100 80/100, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 6 27% तो 27/100 लिख देंगे, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट 7 76% तो 76/100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 8 41% 41/100, ये पार्ट 8 भी हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 है राइट द फ्रैक्शन एज अ परसेंट। ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 17/50। अगर डिनोमिनेटर में 100 बन जाए तो वो उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 100 बनाते हैं, 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाएगा। 50 × 2 तो 17 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। अब 34/100 है तो हम इसको परसेंट लिख सकते हैं 34%। अगर डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो 100 को ख़त्म करके हम परसेंट लगा सकते हैं 34 के साथ।
तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। पार्ट टू 16/25। अब 25 को हमने 100 बनाना है, तो 16/25 है। अब 25 को 100 बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 4 64। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 100। अब डिनोमिनेटर में 100 बन गया तो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 64%। तो ये पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया। पार्ट थ्री 7/10। अब 10 को हमने 100 बनाना है, 7/10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये 100 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 10 70 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो ये आ गया 70%। 100 को ख़त्म करके हमने परसेंट लगा दिया। पार्ट फोर 3/20। तो 20 को हमने 100 बनाना है, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो फिर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 25 ये आ गया हमारे पास 100, तो ये आ गया 15%। 100 को ख़त्म करके हमने परसेंट लगा दिया। पार्ट फाइव 9/10। तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, तो 9 को भी फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये आएगा 90, 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो ये आ गया 90%। डिनोमिनेटर को ख़त्म करके हमने परसेंट लिख दिया, डिनोमिनेटर में अगर 100 हो तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पार्ट सिक्स करेंगे 1/4। 4 को हमने 100 बनाना है, तो 4 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25, 4 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो ये आ गया 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 25%। अब है पार्ट सेवन 3/5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 20 ये आ गया 60, 5 मल्टीप्लाई 20 ये आ गया 100। अब 100 को ख़त्म करके हम 60 के साथ परसेंट लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 100 हो तो हम न्यूमरेटर के साथ परसेंट लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर 60 है, तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करके 60 के साथ परसेंट लिख दिया। तो ये पार्ट सेवन कंप्लीट हो गया। पार्ट एट 3/4। 4 को हमने 100 बनाना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो 3 को भी फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई 25 से ये आ गया 75, 4 मल्टीप्लाई 25 तो ये आ गया 100, तो ये आ गया 75%। तो ये पार्ट एट कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, राइट द डेसिमल एज परसेंट। तो ये जो डेसिमल लिखे हुए हैं इनको हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 0.17। तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और इसके बाद 2 डिजिट हैं राइट साइड की तरफ, तो 20 लिख देंगे, ये आ गया 17/100। अब जिस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 100 हो तो हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया 17%। पार्ट टू है 0.23।
तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 23/100 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 20 लग गई। अब 100 को ख़त्म करके हम 23% लिख सकते हैं, तो ये आ गया 23%। अब पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 है 0.51, तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 51/100। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 20 लग गई। आप इसको हम 51% लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है। अगर डिनोमिनेटर में 100 हो तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह आ गया 51%। पार्ट 4 0.19, इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंट में। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये अगर 19/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 19%। ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पार्ट 1, 20% of 80। तो 20% of 80 हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, 20% of 80। 20% of 80, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा 20% of 80। आप 20 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1600/100। अब 20 से 20 कैंसिल हो गई तो ये आ गया 16, ठीक है। पार्ट 1 का आंसर आ गया 16। अब पार्ट 2, 50% of 40। तो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100 × 40। 50 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000/100। 20 से 20 कैंसिल हो गई तो ये आ गया 20। ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, 40% of 85। 40/100 × 85। 40 को 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5005/4 = 20, 8008/4 = 32, 0043, तो ये आ गया 3400/100। अब 20 से 20 कैंसिल हो गई तो ये आ गया 34। तो पार्ट 3 का आंसर आ गया 34। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.7। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।